बारहवीं दिल्ली के बख्त तंवरपुर में महाराजा अग्रसेन स्कूल के अंदर निजी संस्थान ने करीब 11 दिनों से गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए कर रहे हैं भंडारे का आयोजन। यहां इस भंडारे में हिंदू समाज के लोग ही नहीं मुस्लिम समाज के लोग भी एकत्रित होकर इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में भूखे प्यासे लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान दे कर रहे हैं। यहाँ पर बख्तावरपुर गांव के लोग एक साथ सुबह खाना बनाते हैं और शाम तक करीब 1500 बेसहारा लोगों को खाना वितरण करते हैं। साथ ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। इन्हीं के कुछ लोग वॉलंटियर के रूप में लोगों को कोरोना वायरस महामारी से बचने के उपाय बताते हैं और सोशल डिस्टेंस में रहने के लिए लोगों को समझाते हैं। इनका कहना है कि भंडारे का आयोजन 21 दिन तक चलेगा। यदि लॉकडाउन खुलने के बाद दोबारा लॉकडाउन होता है तो यह लोग फिर एक बार इसी तरह फिर जितने दिन के लिए लॉकडाउन होगा उतने दिन के लिए अनिश्चितकाल भंडारे का आयोजन करेंगे। आपको बता दें, जब से लॉकडाउन हुआ है तमाम शासन प्रशासन राजनेता संस्थाएं लोगों की मदद करने के लिए सड़क पर उतर आई हैं। वही कोई खाना पक्का कर लोगों को खाना खिलाकर मदद कर रहा है तो कोई सूखा राशन बांटकर सड़क। लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य है, भारत से कोरोना को भगाना है और भारत को कोरोना मुक्त बनाना है। हमने बाहर गोल धारा लगा रखा है बकायदा जी, एक एक मीटर से दूर बना रखा है, उसी में एक सबको खड़ा करते हैं और हमारे 20 मीटर लगे हुए हैं। सब हम दूरी का पूरा ख्याल रखते हैं कि किसी को नजदीक नहीं आना। बाहर हमने लगा रखे सब एक एक मीटर की दूरी पे सब खड़े। जब खाना बनाया जाता है सुबह मॉर्निंग में तो उसमें साफ सफाई चाहिए सब चीज का? हाँ बिल्कुल, सैनिटाइज करके किचन को डेली जी सुबह भी होता है, खाना पूरा होने के बाद शाम को फिर दोबारा कराते हैं। तो एरिया से पूरा सही, वो एरिया से पूरा सही? हाँ, पूरा सही होगा। तो जी ट्रस्ट का क्या नाम है? ट्रस्ट का तो श्री हरिओम अग्रवाल सनातन धर्म मंदिर है जी, और उनके जरिए ही महाराजा कृष्ण पब्लिक स्कूल का संचालन होता है और स्कूल समिति के द्वारा ये जो है ना भंडारे का ये आज 11वां दिन है इसको आयोजन को, और इसमें हमने जो है ग्राम वासियों को और पुलिस वालों का हमारे को बहुत सहयोग मिला है इस काम के लिए। जैसे भीड़ होती होगी उसे मैनेज करने का क्या इंतजाम? मैनेज में हमारे कमेटी के जो है 10-15 हमने वॉलंटियर बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा और कुछ गांव के भी मौजूद आदमी हैं जो हमारा सहयोग करते हैं इसमें, और हम डिस्टेंस से बढ़िया तरीके तो इसमें जो एरिया के गाँव हैं अच्छा कौन सी संस्था से? महाराजा कृष्ण पब्लिक स्कूल ट्रस्ट है जिस तरह ये यहाँ पर आयोजन चल रहा है कितने दिन से लगातार है और बाकी अभी जब से लॉकडाउन हुआ जब से चालू है तो हमारा 14 तारीख तक है। अगर लॉकडाउन बढ़ता तो हमारी मीटिंग बैठेगी जो उसमें हमारे अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा। ज़्यादातर ये जो गांव के लोग हैं बाहर से मजदूर भी हैं यहाँ पर आए हुए? मजदूर भी हैं, जो भी जरूरतमंद है सभी आ जाते हैं। सरकार से कोई मदद मिलती है? ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे संस्था की तरफ से ही हम सब लोग मिलके आपस में सहयोग से कर रहे हैं धर्मपाल जी की अध्यक्षता में। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है? सरकार की तरफ से हमने मतलब हमने अपनी तरफ से ही ये सब कुछ किया, सरकार की तरफ से हमने कोई इस तरह की बात रखी है। अच्छा सब अपनी तरफ से है? सब अपनी तरफ से गांव के सहयोग से। अच्छा अपने क्षेत्र के गांव के सहयोग से सारा काम? कितने लोग यहां पर आते हैं और सैनिटाइज हाथों को किया जाता है कि क्या सुविधाएं यहां पर? हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी जितने भी लोग आते हैं उनको सैनिटाइज करके फिर उनको ये देना, मतलब पहले उन्हें सैनिटाइज करवा के उसके बाद खाना देना। कितने दिन से चल रहा है? कितने दिन तक? 11 दिन से चल रहा है अभी। क्या 14-21 दिन का लॉकडाउन? हमारा जो है विचार वो 14 तारीख तक है। आज 11वां दिन है अन्नपूर्णा सेवा का। तकरीबन कितने लोगों को खाना दिया जाता है? देखिए हमारा 1200 से 1500 पैकेट हम बनाकर इसका वितरण करते हैं और आज 1400 पैकेट हमने बनाए हैं। तो ये एक ही टाइम होता है या दोनों वक्त? नहीं, एक टाइम होता है और 12 बजे से 3 बजे तक का हमारा टाइम है। और हमने बाकायदा प्रार्थना करके 113 बरस पुराना यहाँ शिव मंदिर है, भगवान भोले से महामृत्युंजय के जाप करके और विशेष रूप से जो योद्धा हमारे लगे हुए हैं, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों और चाहे सफाई कर्मचारी हों और अन्य जो भी सेवाओं में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं उनकी उनके परिवारों की, जो इस देश पे जो आपदा आई है, दुनिया पे जो आपदा आई है और वो दिन रात हमारे सेवा कर रहे हैं। तो ये जो संस्था है इसमें खाली संस्था है या और भी जो लोग हैं क्षेत्र के वो भी जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं क्षेत्र के। महाराजा अग्रसेन सोसाइटी की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें पूरे गांव के लोग और पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग है
जिसमें सभी लोग भागीदारी लेते हैं और यहाँ पर जो दूसरे प्रांतों से आए हुए लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको लॉकडाउन होने की वजह से उन लोगों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसका श्रेय मैं तो ग्राम निवासियों को और महाराज अग्रसेन सोसाइटियों को दूंगा कि इन्होंने